गुड मॉर्निंग, माय सेल्फ रितु फ्रॉम GMHS 31। मेरा नाम टीना है और मैं गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल मॉली कॉलोनी से हूँ। आज हम वैलेंस इक्वेशंस के ऊपर एक्सप्लेन करने वाले हैं। सबसे पहले हम ये शो करेंगे कि जो हमारी इक्वेशन होती है, अगर हम लेफ्ट और राइट साइड में सेम नंबर को ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी वो बैलेंस्ड ही रहती है। जस्ट आप सपोज करो कि ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारी राइट हैंड साइड है। अगर मैं इसमें सेम नंबर यानी कि दो नंबर ही ऐड करूं और इसमें भी दो नंबर ऐड करूंगी तो ये हमारी क्या रहेगी, सेम रहेगी, बैलेंस रहेगी, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो भी वो सेम रहती है हमारे पास। सपोज अगर मैं इसमें से दो नंबर को सब्ट्रैक्ट करती हूँ, ठीक है, अगर मैं इसमें से दो नंबर को सब्ट्रैक्ट करूंगी 1 and 2, तो इसी तरीके से अगर इसमें से भी मैं दो नंबर को सब्ट्रैक्ट करूंगी तो भी हमारे लिए क्या रहेगी, बैलेंस्ड ही रहेगी, ठीक है। तो इस कंसेप्ट को यूज करते हुए हम हमारे इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे कि किस तरीके से एक्टिविटी के थ्रू हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, ताकि बच्चों के लिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी हो जाए और काफी सही से उन्हें एक्सप्लेन करके समझ में भी आ जाए। जैसे कि एक्सप्लेन करने के लिए ना हम इस पेपर के ऊपर कुछ पेपर कटिंग्स हमने की है उनको यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग इसको पेपर पे एक्टिविटी करके दिखाएंगे कि कैसे हम प्लस माइनस करने से हमारी जो सिंपल इक्वेशन है वो कैसे सॉल्व होगी। जैसे कि सपोज हमें इक्वेशन सॉल्व करनी है 3x + 2 = 8, ठीक है, 3x है ना हमारे पास। हमने इस पेपर से हमने मान लिया कि x को हम इससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो 3x है तो 3 हम ले लेंगे, 1, 2 and 3, ठीक है, ये हमारे x हो गए, वेरिएबल्स को हमने रिप्रेजेंट किया। प्लस 2 हमें करना है तो हम ना सपोज करेंगे कि हम पॉजिटिव नंबर इस कॉइन्स रेड कलर से रिप्रेजेंट करेंगे और जो नेगेटिव नंबर है वो इसे रिप्रेजेंट करेंगे यानी कि ब्लू कलर से। तो यहाँ पे हम 2 कर लेते हैं, प्लस 2 है तो 1 and 2 हमने ले लिया। इसी तरीके से इक्वल में कितना लेना है हमें, 8 लेना है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8, ठीक है, ये राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, यानी कि 3x + 2 = 8 हो गया। अभी हमने अपनी एक्टिविटी से सीखा था कि अगर हम सेम नंबर को माइनस दोनों साइड में करेंगे तो हमारे पास बैलेंस रहेगी। तो हमने ये नेगेटिव नंबर से रिप्रेजेंट किया है तो हम इसमें से दो लेते हैं, जैसे कि 1 and 2, हमने दो नंबर माइनस कर दिए। लेफ्ट में से अगर माइनस किया तो राइट में से ही माइनस करेंगे 1 and 2, ठीक है, +2 - 2 ये हमारे कैंसिल हो जाएंगे यहाँ से, ठीक है। इसी तरीके से +2 और -2 ये भी हमारे कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि राइट हैंड साइड में हमारे कितने रह गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, वेरिएबल को ना हम अलग अलग तरीके से सेपरेट करके लिख लेते हैं, 1 and 2 and 3, ठीक है। इसी तरीके से 3 रो बन गई, ये 1, 2 और 3 3 रो हो गई। इसी तरीके से सेम हम यहाँ पे भी 3 रोज में इनको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, 1 row, 2 row and 3 row, यानी कि जितने बच गए थे उसको हमने उतने ही रोज में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया जितने रोज में हमारे वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूट हुए थे। अब हम कंपैरिजन करेंगे लेफ्ट और राइट में, तो अगर हम कंपेयर करेंगे तो एक वेरिएबल को कितने कॉइन मिले, 2, और ये किसके थे, प्लस के 2, यानी कि एक्स की जो वैल्यू होगी वो कितनी आ गई, 2 आ गई। इस तरीके से हम इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारी इक्वेशन सॉल्व होकर एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। ये तो थी हमारी सिंपल इक्वेशन जब x के साथ हमारा 3x है। लेकिन अगर हमारे पास सपोज x बाय में 2 हो या x बाय में 3 हो तो भी हम इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा x है, जैसे कि सपोज मैंने जो हमारा वेरिएबल x है उसको इससे रिप्रेजेंट किया, ठीक है, ये स्क्वायर जो है हमारा वेरिएबल x है, ठीक है, तो ये हमारा वेरिएबल x हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, x बाय 2 करना, ठीक है, x बाय 2, तो ये हमारा x है, x का ये हमारा आधा है इसका, क्योंकि हमें x का क्या करना है, आधा करना है, तो हमने क्या कर दिया, x का आधा। तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर ये x है ना तो इसका आधा यानी कि ये रिप्रेजेंट करेगा किसको, x बाय 2 को, ठीक है, x बाय 2 को। अब प्लस का 1 चाहिए तो हम क्या करेंगे, प्लस में 1, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड बन गई, ऐसे ही राइट हैंड साइड बनाएंगे, राइट हैंड साइड में कितना है, 4, ठीक है, प्लस का 4, तो हम 4 ले लेंगे, 1, 2, 3 and 4, तो ये 4 हो गए हमारे पास यहाँ पर। अब ये प्लस का 1 था, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, एक माइनस का यूज़ करेंगे, माइनस का 1, ठीक है, ये माइनस 1 अगर लेफ्ट हैंड साइड में किया है तो माइनस 1 राइट साइड में भी करेंगे ताकि इक्वेशन बैलेंस रहे। तो अब प्लस 1 माइनस 1 हमारे क्या हो जाएंगे, कैंसिल, ऐसे ही यहाँ पे प्लस 1 और माइनस 1 ये भी हमारे क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो यहाँ पे कितने बच गए, 3। अब यहाँ पे क्या था, एक्स बाय में 2 था यानी कि डिवाइड में है ना 2, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, ठीक है, तो बाय में 2 है ना, तो 2 से ही क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से ही यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। सेम ऐसे ही यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, इससे 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है,
क्योंकि हमारे पास यहाँ पे x डिवाइड बाई 2 था ना, तो डिवाइड में है तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई, और अगर मल्टीप्लाई में है तो क्या करते हैं डिवाइड, यानी कि उसे अपोजिट ऑपरेशन हमें लगाना है। ठीक है, तो हमारे पास था x बाई में 2, तो हमने क्या कर दिया इस 2 से मल्टीप्लाई, यानी कि यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे भी जो ये नंबर है इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे डिवाइड में था, तो डिवाइड और मल्टीप्लाई आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल, ऐसे ही यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। ये काउंटिंग में कितने हैं 1, 2, 3, ये काउंटिंग में 3 हैं, ऐसे ही ये काउंटिंग में कितने हैं 2, तो 3 2 6, यानी कि जो यहाँ पे हमारी x वेरिएबल की वैल्यू थी वो हमारी कितनी आ गई 6 आ गई। तो इस तरीके से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। थैंक यू।